please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं दिनेश करण सिंह। पिछले कुछ सालों से जब भी क्रिसमस आता है उससे पहले भारत में एक संदेश व्हाट्सएप और फेसबुक पर अपनी नींद से जागकर वापस हर मोबाइल फोन में पहुंचने लगता है। ये मैसेज इकलौता नहीं है बल्कि इस तरह के और भी मैसेज जन्म लेने लगते हैं और चारों तरफ कहा जाने लगता है कि क्रिसमस के बहाने ईसाई धर्मांतरण एजेंडा भारत में फैलाने की साजिश है। और क्योंकि क्रिसमस भी सिखों के शहीदी सप्ताह में आता है और इसलिए क्रिसमस के बहाने हमें सिख गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास, उनका त्याग भुलाने के लिए कुछ ताकतें प्रेरित कर रही हैं। क्रिसमस को कुछ इस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है कि हम उनके पीछे अपने सिख गुरुओं का त्याग और बलिदान भूल रहे हैं। आज हम आपको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि पवित्र शहीदी सप्ताह क्या है, उसका महत्व क्या है और क्रिसमस के बहाने भारत में क्या सच में इस तरह का कोई एजेंडा चल रहा है। पहले बात करते हैं शहीदी सप्ताह की। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के परिवार की शहादत की आज पूरे देश में दूसरी कोई मिसाल नहीं है और ना ही इस तरह के त्याग का कोई दूसरा उदाहरण देश के इतिहास में कहीं और नजर आता है। नानक शाही कैलेंडर में 20 दिसंबर से लेकर 27 दिसंबर तक हर साल शहीदी सप्ताह मनाया जाता है। इस दौरान देश के लोग गुरु गोविंद सिंह जी के अद्भुत पराक्रम, उनके त्याग और उनके पूरे परिवार को देश हित में झोंक देने की अविस्मरणीय घटना को याद करता है। छोटे बच्चों को गुरु ग्रंथ साहिब की महिमा का और सिख गुरुओं के अद्भुत त्याग का परिचय करवाया जाता है। ये वही सप्ताह है जब सिख समुदाय के लोग पूरे सप्ताह जमीन पर सोते हैं और अपने गुरुओं, माता गुजरी और दोनों छोटे साहिबजादों पर हुए अमानवीय अत्याचारों के प्रति अपना दुख जताते हैं, उन्हें याद करते हैं। ये चलन सिर्फ सिखों में ही नहीं है बल्कि देश के हर कोने में गुरु गोविंद सिंह जी और उनके परिवार के अद्भुत त्याग को याद किया जाता है, लोग उन्हें नमन करते हैं। सबसे पहले यह जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर इस सप्ताह में क्या क्या घटनाएँ इतिहास में हुई थी। सबसे पहला दिन सप्ताह में 20 दिसंबर का दिन है। इस दिन मुगलों ने गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर साहिब किले पर हमला कर दिया था और गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके खिलाफ लगभग युद्ध शुरू कर दिया था, लेकिन उन्हें अपने अन्य सिख सरदारों की प्रार्थना का सम्मान करना पड़ा, जिसमें सिख सरदार चाहते थे कि गुरु गोविंद सिंह जी परिवार सहित आनंदपुर साहिब छोड़ के चले जाएँ महफूज जगह पे, ताकि वो सुरक्षित रहें, ताकि उन्हें मुगलों से लड़ाई का समय मिल सके और पूरी तैयारी से वे मुगलों को वहां से उखाड़ फेंकें। अगले दिन 21 दिसंबर को गुरु महाराज के परिवार के साथ एक और हादसा हो गया। सिरसा नदी के तेज बहाव की वजह से पूरा परिवार बिछड़ गया। गुरु गोविंद सिंह जी अपने दोनों बड़े पुत्रों बाबा अजीत सिंह और बाबा जुझार सिंह के साथ दूर चमकौर पहुंच गए, जबकि दूसरी ओर गुरु महाराज के सेवक गंगू, माता गुजरी, गुरु साहिब के छोटे दोनों साहिबजादे बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह गुरु साहिब से अलग हो गए। गंगू ने इसकी इतला नवाब वजीर खान को दे दी और धोखे का शिकार हुए गुरु साहिब का परिवार मुगलों की कैद में चला गया। अगले दिन 22 दिसंबर को सिखों की मुगलों से चमकौर की ऐतिहासिक लड़ाई हुई, जिसमें वीर सिखों ने मुगलों की सेना का डटकर सामना किया। मुगलों को लगने लगा कि उन्हें ये लड़ाई बेहद महंगी पड़ गई है क्योंकि सिखों की वीरता का कोई सानी नहीं था। 23 दिसंबर को गुरु साहिब के दोनों बड़े साहिबजादे वीरगति को प्राप्त हो गए। 24 दिसंबर को स्वयं गुरु महाराज ने युद्ध में उतरने का मन बना लिया, लेकिन दूसरे सिखों ने उन्हें ऐसा ना करने पर मजबूर कर दिया। बाकी सिख ये चाहते थे कि अंतिम पाग रहने तक गुरु साहिब को युद्ध में नहीं उतरने दिया जाएगा। गुरु गोविंद सिंह जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। बाकी सिखों ने उन्हें युद्ध भूमि छोड़कर चले जाने के लिए मजबूर कर दिया और पंथ के हित में उन्हें वहां से जाना पड़ा। 25 दिसंबर को गुरु साहिब की अनुयायी हरसरन कौर से गुरु साहिब की मुलाकात हुई तो गुरु साहिब से उन्हें युद्ध की जानकारी प्राप्त हुई। गुरु साहिब से आज्ञा पाकर हरसरन कौर ने युद्ध में शहीद हुए दोनों साहिबजादों का चुपके से अंतिम संस्कार चमकौर में करवाया, जबकि मुगल साहिबजादों के शवों की बेकदरी करना चाहते थे। मुगलों को देर से ये बात पता चली कि हरसरन कौर ने साहिबजादों का अंतिम संस्कार कर दिया है। देश में आकर मुगलों ने हरसरन कौर को भी चिता की अग्नि में डाल दिया और वो भी शहीद हो गई। उधर वजीर खान ने 26 दिसंबर को ठंडा बुर्ज में गुरु साहिब के छोटे साहिबजादों को खुले आकाश के नीचे कैद करके रखा और धर्म बदलने का प्रस्ताव उनके सामने रखा, लेकिन
दोनों साहिबजादे जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल का जय घोष लगाने लगे। वजीर खान ने दोबारा 27 दिसंबर को कपटपूर्ण ढंग से छोटे साहिबजादों को फिर से दरबार में बुला करके उनका धर्म परिवर्तन करवाने के लिए दबाव बनाया, पर साहिबजादों ने उसकी पेशकश को फिर से दोगुने साहस से ठुकरा दिया। वजीर खान ने ऐसे अपमान के बदले दोनों साहिबजादों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया। इसकी खबर मिलने पर माता गुजरी ने भी अपने जीवन को खत्म कर लिया। यही घटनाक्रम शहीदी सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। अब बात क्रिसमस की। क्रिसमस प्रभु यीशु के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है और प्रभु यीशु की मृत्यु के करीब 280 बरस बाद जन्मे संत निकोलस ने गरीब बच्चों को यीशु के जन्मदिन के दिन तोहफे देने शुरू किए थे। वो बच्चों की मदद करते थे, उन्हें बच्चे बहुत ही प्रिय थे। वो गरीब बच्चों की मदद अपनी पहचान छुपा के करते थे और इस वजह से वो सांता क्लोज के कपड़े पहनकर सोते हुए बच्चों के सरहाने गिफ्ट रखकर आते थे। बच्चे पूरी साल उनका क्रिसमस तक इंतज़ार करते और अपने आप को ज़्यादा नटखट होने से बचाते थे, क्योंकि सांता क्लोज बदमाश बच्चों के जूतों में कोयला रख देते थे और अच्छे बच्चों को उपहार देते थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ही घटनाओं में धर्मांतरण और संस्कार के बिगड़ते स्वरूप का जिक्र कहाँ है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों ही घटनाएं बिल्कुल अलग हैं। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि क्रिसमस के सांता के कपड़े बच्चों को पहनाना उन्हें जोकर बनाना है, उन्हें गुरु साहिब के बच्चों के संस्कार देने चाहिए। हमारा ख्याल ये है कि बच्चों को बच्चा बना रहने दें और समाज को भी स्वस्थ रहने दें। इस देश के मूल संस्कार हैं त्याग, वही हमारे बच्चों में जाता है। लेकिन हमारे देश में दूसरे पंथों के सम्मान की भी परंपरा और सीख रही है। शहीदी सप्ताह में क्रिसमस का आना महज एक संयोग है, इसके इतर कुछ नहीं है, ना ही ये धर्मांतरण से जुड़ा है, बल्कि ये एक त्यौहार है और इस त्यौहार को त्यौहार की तरह से ही लेना चाहिए। बच्चों को गुरु साहिब और साहिबजादों के जीवन का पाठ पढ़ाना चाहिए और ये भी सिखाना चाहिए कि वो किसी भी दूसरे मत का पंथ का उसी हौसले से सम्मान करें जिस तरह से हम अपने मत का सम्मान करते हैं। क्रिसमस भी प्यार बांटने का त्यौहार है, हमें आपस में बांटने का त्यौहार नहीं है। नानक नाम चढ़धी कला तेरे पाणे सर्वतदा भला, सबका भला हो, भगवान सबको सुख और शांति दे। शहीदी सप्ताह में गुरु साहिब के त्याग और उनके पूरे परिवार के कोटि काल तक याद रखे जाने वाले बलिदान को हमारा सत सत नमन और साथ ही आप सबको मेरी क्रिसमस। शुक्रिया। प्लीज सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड व्हेनेवर वी अपलोड अ न्यू वीडियो।